आज हमारे किचन में बन रही है मीटबॉल स्पैगेटी। इसके लिए सबसे पहले 500 ग्राम मटन मिंस लेके चॉपर में डालें। अब इसमें एक मीडियम साइज ऑनियन बारीक कटा हुआ शामिल कर दें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज 2-3, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 कप ब्रेड क्रम्स। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लें। अब मुनासिब साइज के बॉल्स बना लें इसके मीट बॉल्स। मीट बॉल रेडी हैं। अब एक पैन में पानी बॉइल करें, इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। बॉयल आने पर इसमें 1 पैकेट स्पैगेटी ऐड कर दें। इसे सॉफ्ट होने तक बॉयल करें। अब एक पैन में 1/2 कप ऑयल डालें। लो फ्लेम पे मीट बॉल्स को इसमें फ्राई करें। यहाँ तक ये सब साइड से लाइट गोल्डन हो जाएं, लाइट ब्राउन हो जाएं। इनको साथ के साथ पलटते रहें ताकि रंग सब तरफ एक जैसा आए। अब मीट बॉल्स को इसमें से निकाल लें। एक और पैन में 1/3 कप ऑयल लें, इसमें क्रश गार्लिक 1 टेबलस्पून ऐड करें। थोड़ी देर फ्राई करें। अब इसके अंदर 2 कप टोमेटो प्यूरी ऐड कर दें। इसके अंदर 1/2 कप टोमेटो केचप डाल दें। एक टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर मीट बॉल्स डाल के इस पर लिड दे के इसको 10 मिनट्स के लिए दम पे रख दें। अब ये रेडी है। मीट बॉल्स जो हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं। अब बॉइल्ड स्पैगेटी इसके अंदर ऐड करके इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। एहतियात से करें ताकि बॉल्स ना टूटें।
मीटबॉल स्पैगेटी तैयार है। एंजॉय इट।